सो ही गाइस, क्या चल रहा है भाइयों, स्वागत है माइनक्राफ्ट के एकदम नए और फ्रेश एपिसोड में। सो आज का वीडियो यार बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग अपने माइनक्राफ्ट के नए वर्ल्ड के अंदर बनाने वाले हैं एकदम खतरनाक चीज। आज हम लोग बनाएंगे भाई सीक्रेट लावा हाउस, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगा एंड दिखने में उतना ही ज्यादा मस्त होने वाला है। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर देना। और मैं आप लोग को बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने भाई मुझे लोको ऐप पे फॉलो नहीं किया है एंड आप लोग वहां पे लाइव स्ट्रीम नहीं देखते हो, तो आप लोगों ने यार काफी सारी चीजों को मिस कर दिया होगा। आप लोग को एक एक करके थोड़ी सी चीजें दिखा देता हूं। तो सबसे पहले तो आप लोग यहां पे नजर डालो, यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहां है अपना एक मॉडर्न हाउस जिसपे मैंने एक वीडियो बनाया था। एंड इधर नजर डालो, यहां पे आप लोग देख सकते हो मैंने यहां पे काफी सारे विलेजर्स को जॉब दे रखी है एंड ज्यादातर नहीं सारी जॉब यहां पे दे रखी है। यहां पे मैंने फार्मर बना रखे। और ये आयरन गोलम कैसे आ रहे भाई, अभी कोई लंगर अंगर बट रहा है क्या? इतने सारे आयरन गोलम देख रहे हो, आए जा रहे भाई, हद है। देख रहे हो यहां नहा रहे हैं, इधर नहा रहे हैं, मतलब हद है आयरन गोलम की। तो फटाफट से पास चलते और मैं आप लोग को पास से दिखाता हूं। ओ भाई, डायरेक्ट हम लोगों ने अपने भाई छोटे से फिश टैंक के अंदर भाई जंप कर दिया है। तो फटाफट से चलते हैं। और हम मैंने पीछे ही वहां पे विलेजर्स को जॉब नहीं दिया, आगे की साइड भी विलेजर को जॉब दे दिया है, मतलब हम लोग लाइव स्ट्रीम में काफी कुछ करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने भाई लोको ऐप पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई लोको ऐप पे। शाम को 5 बजे से आ जाना, वहां पे हम लोग बहुत ज्यादा मजे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को यहां पे दिखा देता हूं। तो यहां पे आप लोग देखो कितने सारे विलेजर, अभी धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, आराम से। तो देख रहे हो हद से ज्यादा ही हो गए, मुझे लग रहा है इस मॉडर्न हाउस को मुझे ना अपग्रेड करना पड़ेगा। मतलब देख रहे हो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे गांव बसा लिया, इतने सारे विलेजर हो गए और कितनी सारी जॉब यहाँ पे दे रखी है। ये देखो कार्टोग्राफर दो टेबल यहाँ पे, लाइब्रेरियन, और लाइब्रेरियन को पीछे नजर डालो, मतलब यहाँ पे तो भर के दे रखे हैं, क्योंकि मुझे इनसे काफी सारी एंचांटमेंट की बुक चाहिए। और ये आयरन गोलम तो भाई बिन बुलाए मेहमान है, मतलब आए जा रहे कितने सारे आ रहे हैं। पर अपन लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इनका, हम लोग ने हाथ भी लगाया ना तो हमारी तो बहुत गंदी वाली बैंड बजाएंगे। बाकी फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। आज हम लोग अपना सीक्रेट लावा हाउस बनाएंगे, जो मैंने अपने पुराने वाले वर्ल्ड में भी कभी नहीं बनाया, मतलब सोचा नहीं था कि भाई लावा हाउस भी हो सकता है, पर आज हम लोग उसको बनाने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, इसलिए वीडियो को एकदम एंड तक देखना, आप लोग भी आराम से उसको बना सकते हो। तो उसको बनाने के लिए हम लोग को कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, तो उनमें से कुछ चीजें तो मेरे पास है एंड कुछ चीजें मेरे को बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टिकी पिस्टन बना लेते हैं। तो स्टिकी पिस्टन बनाने से पहले हम लोग को पिस्टन बनाने पड़ेगा। तो अच्छी चीज तो है मेरे को स्लाइम बॉल मिल गए थे, अगर स्लाइम बॉल नहीं मिलते तो मैं स्टिकी पिस्टन नहीं बना पाता। तो फटाफट से पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पे पिस्टन। तो पिस्टन बनाने के लिए हम लोग को किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले मैं वो देख लेता हूँ। तो पिस्टन बनाने के लिए हम लोग को चाहिए भाई 4 चाहिए कोवर स्टोन, एक आयरन चाहिए, रेड स्टोन चाहिए एंड हम लोग को चाहिए प्लैंक। तो ये सारी चीजें तो एकदम कॉमन है, आराम से मिल जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ से आयरन ले लेता हूँ, रेड स्टोन ले लेता हूँ एंड अभी मेरे को चाहिए प्लैंक। तो प्लैंक यार मेरे पास मतलब कमी पड़ जाती है प्लैंक की, क्योंकि प्लैंक मैं बहुत ज्यादा ही खर्च कर देता हूँ। एक मिनट रुको, इसके अंदर क्राफ्टिंग टेबल है, ओके यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ओके यहाँ पे देख लो कितनी सारी क्राफ्टिंग टेबल है। वहाँ एक फिशिंग रॉड की जरूरत भी पड़ेगी, तो वो तो मैंने यहाँ से ले लिया है। फिशिंग रॉड हमारे पास हो चुकी है, इसके अंदर क्या बकेट हो गए, बकेट भी हम लोग को चाहिए। तो सारी चीजें पहले मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, ओके बाकी कुछ तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ओके मुझे यहाँ पे प्लैंक्स दिख गए, तो प्लैंक का मैं यूज यहाँ से कर लूंगा। तो फटाफट से पहले मैं पिस्टन यहाँ पे बना लेता हूँ। तो मैं पिस्टन करीब बनाने वाला हूँ 2 से मेरा काम चल जाएगा, ज्यादा नहीं बनाऊंगा। ओके एक अभी बनाए, ओके एक और बना लेते हैं। 2 पिस्टन हम लोग यहाँ पे बना के रख लेते हैं एंड यहाँ से 2 स्लाइम बॉल निकालेंगे, ज्यादा नहीं चाहिए हम लोग को। जब बनाने होंगे तो हम लोग दोबारा से यहाँ पे बना लेंगे। तो हम लोग को काम क्या करना है, एक यहाँ रखना है एंड एक ऐसे रखना है। तो ये हमारा बन गया है स्टिकी पिस्टन, वैसे हमारा एक से काम चल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी एक ही बनाता हूँ, इसको वेस्ट ना करो यार, इसको यहाँ पे रख दो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है, इसको भी यहाँ रखो। रेड स्टोन की तो हम लोग को थोड़ी सी जरूरत पड़ने वाली है एंड ये सारी चीजें भी हम लोग को लाइव स्ट्रीम के दौरान मिली थी। देख रहे हो कितना कुछ है यार अपने पास। तो यार रात हो चुकी है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं सो जाता हूँ। ओके तो गाइज अभी सुबह हो चुकी है और सुबह होते ही फटाफट से हम लोग अपने काम पे चलते हैं। तो मेरे को यार थोड़ा सा खाने का सामान भी लेना है एंड मेरे को एक बेड भी उठा लेना है, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे नहीं आने वाला हूँ सोने। ओके बाहर काफ़ी सारे बेड हैं, तो उनमें से एक ना एक बेड मैं ले लूँगा। तो मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं, अभी मेरे को यहाँ पे लावा भी लेके आना पड़ेगा। तो फटाफट से चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ जो हम लोग लावा हाउस बनाएंगे, मतलब सीक्रेट लावा हाउस। अभी ये यहाँ क्या कर रहा है मेरी टनल में, पता नहीं भाई। अरे 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 भैया आयरन गोलम, सॉरी गलती, माफ़ कर दो यार, मार बार मत देना यार, यहाँ से हटो, साइड में हटो। तो मैं ये वाला बेड यहां से ले लेता हूं। और मैं आप लोग को एक और चीज दिखा दूं, ये देखो यहां नजर डालो, मैंने अपने फार्मर के लिए यहां पे एक घर भी बना दिया, क्योंकि यार अपने फार्मर रात दिन रात बेचारे मेहनत करते रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं यहां पे, अबे मेहनत का नाम लिया तुम लोग तो यहां पे भाई, देख रहे हो अभी, ये देख रहे हो आराम किया जा रहा है यहाँ, देख रहे हो आराम कर रहे हो भाई तुम लोग, अबे बाहर आ जाओ चुपचाप। ये देख रहे हो मैंने इतना मस्त है इन लोग के लिए घर बना के यहाँ पे रखा है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में मेहनत होती है, दिन रात बेचारे मेहनत करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे फार्मर्स को बना दिया, मतलब मैंने तो यहाँ पे भाई कंपोस्टर रखे थे, ये अपने आप धीरे धीरे
फार्मर बनते जा रहे हैं और अपने आप ब्रीडिंग कर रहे हैं, मतलब अपने आप जनसंख्या बढ़ रही है, पता नहीं कैसे इनकी जनसंख्या रुकेगी। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं और जो मैं अपना सीक्रेट हाउस बनाने वाला हूँ, मतलब लावा हाउस बनाने वाला हूँ, वो मैं सोच रहा हूँ इस साइड में बनाऊँ, क्योंकि अपने घर से थोड़ा दूर बनाऊंगा तो ज़्यादा सही रहेगा, कि ऐसा ना हो भाई बाद में मैं ही लावा में गिर के और तंदूरी चिकन बनवा लूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे को यहाँ से तो कुछ भी नहीं चाहिए, हाँ मेरे को सवल चाहिए और मेरे को बनाने हैं प्रेशर प्लेट, तो फटाफट से पहले प्रेशर प्लेट बना लेता हूँ। तो प्रेशर प्लेट तो मैं यहीं पर बना सकता हूँ, एक सेकंड, अरे 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 नीचे ना गिर जा, नीचे ना गिर जाना। अभी आयरन गोलम के ऊपर गिर गया ना तो बहुत ज़्यादा मारने वाला यार ये। तो यहाँ पे अपनी क्राफ्टिंग टेबल रखी है, मेरे पास प्लैंक वैसे बचे हुए हैं, तो प्रेशर प्लेट मेरे को बनानी है, एक ही बनती है कैसे? ओके, तो मेरे को दो ही बनी, मेरे को टोटल चार बनानी है यार। तो मैं एक काम करता हूँ ना, सबसे पहले मैं यार वुड कलेक्ट करता हूँ, मतलब सबसे पहले मैं लकड़ी वकड़ी काट के आता हूँ। तो मैं काम करता हूँ जल्दी से, मैं लकड़ी वकड़ियाँ काट के आता हूँ, मतलब मजदूरों वाला काम करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ओके, तो गाइस अभी मैं काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ काट के आ चुका हूँ, मतलब भाई मजदूरों वाला मैंने काम कर लिया है, एंड अभी हम लोग चलते हैं भाई अपना काम पूरा करते हैं। तो यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो मेरी शिकारी कुत्तों की फौज बैठी हुई है, एंड इनके लिए भी मैं बहुत जल्द एक बढ़िया सा घर बनाने वाला हूँ। तो अभी तो तुम लोग खुले में बैठे रहो, आराम से ठंडी ठंडी हवा का कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम लोग जो अपना सीक्रेट लावा हाउस बनाने वाले हैं वो इस साइड में बनाने वाले हैं, क्योंकि ये जगह एकदम परफेक्ट है, मैं अपने यहाँ पर जाकर रह भी सकता हूँ, अपना इंपॉर्टेंट सामान यहाँ पर रख सकता हूँ, एंड यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा माइनिंग भी करी थी, तो ये वाली जगह मेरे को एकदम बढ़िया लग रही है। तो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ और मैं ऊपर के साइड नहीं बनाऊंगा, मैं नीचे के साइड बनाने वाला हूँ। तो फटाफट से यहाँ से सवल ले लो यार, डायमंड की अपने पास सवल है जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया, और मेरे पास डायमंड भी नहीं है, मेरे को माइनिंग करना पड़ेगा जल्दी। तो यहाँ फटाफट से पहले इसे डायमंड हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लेना है यहाँ पे प्रेशर प्लेट, और मैंने यार गलती कर दी, मेरे को फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल में जाना पड़ेगा यार, मेरे को दो प्रेशर प्लेट और बनानी है, तो उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो अच्छा है क्राफ्टिंग टेबल बाहर ही रखी, इसके अंदर तो नहीं है ना, इसके अंदर नहीं है, क्राफ्टिंग टेबल एक बाहर ही रखी है, फटाफट से मैं उससे बना लेता हूँ। वैसे यार मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्राफ्टिंग टेबल हो गई, मैंने गलती से बना ली थी, तो मैं उनको भी ना चारों तरफ रख लूँगा, उनसे मेरा काम होता ही रहता है। तो फटाफट से यहाँ पहले प्लैंक बना लो यार, प्लैंक भी नहीं बनाया मैंने, हद है यार। तो मैं बना लेता हूँ, मेरे को ओके इतने से मेरा काम चल जाएगा, तो इसको रखो यहाँ पे, अभी फटाफट से लो, चार प्रेशर प्लेट से मेरा काम चल जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, प्रेशर प्लेट सही भी नहीं बोल पा रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी से वहाँ पे चल के भाई अपना लावा हाउस बनाते हैं, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ लावा हाउस को देखने के, मतलब जब बन जाएगा ना काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा। वैसे सही तो लगेगा क्या, सीक्रेट वैसे ही होगा। तो एक मिनट रुको, एक यहाँ पे लगाओ, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से लगने वाला है। उसके बाद आपको क्या काम करना है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ऐसे गड्ढा कर देना है। अभी आप लोग सोच रहे हो मैं कर क्या रहा हूँ, आखिर कर क्या रहा हूँ, पर नहीं, बनने के बाद मस्त लगेगा, टेंशन ना लो, बनने के बाद एकदम झक्कास लगेगा। उसके बाद हम लोग को कुछ इस तरीके से यहाँ पे गड्ढा करना है, एंड उसके बाद एक गड्ढा यहाँ करना है। ओके, तो ऐसा करने के बाद हम लोग को काम क्या करना है, हम लोग को रेड स्टोन लेना है, रेड स्टोन से यहाँ पे पूरी मतलब लकीरें बना देनी है, लक्ष्मण रेखा बना देनी है इसके आगे पीछे। अब यहाँ पे बन जा भाई, ओके ये यहाँ पे हो गई। उसके बाद हम लोग को काम करना है, ओहो धुएँ निकलने लगे इसके अंदर, तो ओके इसके बाद इसको कनेक्ट कर देना। अब भाई यार बस इसी चीज़ की कमी थी, ओके फटाफट से मैं लेके आता हूँ। मतलब यार देख रहे हो कितना बड़ा भुलक्कड़ हूँ, मतलब मैं और रेड स्टोन लेके नहीं आया हूँ, जबकि मेरे को बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने ली नहीं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को चाहिए भाई रेड स्टोन टॉर्च, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, उसके बिना काम बिल्कुल फुस हो जाएगा, तो उसको तो लेना ही पड़ेगा। तो फटाफट से मैं उन सारी चीज़ों को भी बना लेता हूँ। तो सबसे पहले तो उससे पहले मुझे टॉर्चेस बनानी पड़ेगी, टॉर्च मेरे पास कितनी है, 60 टॉर्च है, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो रेड स्टोन तो मेरे पास भर के पड़ा हुआ है भर के, पर मेरे पास कोल नहीं है, मुझे लग रहा है कोल की कमी हो गई है, कोल लेके आना पड़ेगा, माइनिंग वाइनिंग करनी पड़ेगी भाई लग रहा है। ओके इतने से मेरा, अरे यार स्टिक यहाँ पे भी तो थी, मैंने क्यों बना ली स्टिक, कोल मिल जाए भैया, कोल मिल जाए, कोल मिल जाए। ओके इसमें क्या है, ओके यहाँ मेरे पास 5 कोल मिल गया है, इसके अंदर है क्या, ओके यहाँ पे है ना रखा हुआ यार, पर सारा यूज़ नहीं करने वाला हूँ मैं, क्योंकि सारा यूज़ मैंने कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी, तो इतना यूज़ कर लेते हैं, इससे देखते हैं। ओके यहाँ पे काफ़ी टॉर्चेस बन गई, तो एक मिनट रुको, रेड स्टोन टॉर्च हम लोग कैसे बना सकते हैं, एक सेकेंड रुको, ओहो ओ यार मैंने गलती से टॉर्च बना दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कितनी बना सकते हैं, वैसे 6 बना के रख लेते हैं, एडवांस में काम आ जाएंगे, ठीक है इतने से मेरा काम चल जाएगा, फटाफट से चलते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता अभी कोई और चीज़ रह गई है, अगर रह गई होगी तो कोई नहीं ले आएंगे भाई, हम भी गजनी से कम नहीं है। मैं भी एक एक मिनट में भाई सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, आप लोग एक्सपी देख रहे हो, ये एक्सपी ऐसे ही कम नहीं हुई, क्योंकि मैं अभी कुछ और डिज़ाइन से बना रहा था लावा हाउस, और उसमें तो भाई मेरा तंदूरी चिकन ही बन गया, मतलब बहुत ही बुरी मौत हुई है, तो इसीलिए मैंने अपना डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर दिया, और ये वाला डिज़ाइन है ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ओके तो यहाँ कुछ ऐसे लगाना है, ये इसे कनेक्ट होने के बाद चलना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद मेरे को काम क्या करना है, एक मिनट रुको यार, मुझे यहाँ से डर्ट हटानी पड़ेगी, सवल किधर गया, ये रहा भाई अपना टूल, ये पूरा टूटने वाला है। ओके उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ से हटाओ, उसके बाद हम लोग को ना यहाँ पर जगह बनानी है, एंड यहाँ पर रखना है अपना स्टिकी पिस्टन, तो यहाँ से मेरे को फिर से हटाना पड़ेगा, इधर से भी हटा लो। ओके बहुत सही,
स्टिकी पिस्टन को यहाँ लो एंड इसको ना बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके लगाना है कुछ। अरे यार गलत लगा दिया मैंने, गलत लगा दिया भैया, गलत लगा दिया। एक सेकंड रुको भाई, ये टूट टूट ना जाए। ओके मिल गया मिल गया मिल गया, मुझे लगा भाई गलत टूट गया ना, तो भाई अपनी तो बैंड बच जानी है। किधर गया? ओके ये रहा। यार ये लगेगा कैसे? एक सेकंड क्राउच करके लगेगा मेरे ख्याल से। अरे यार ऊपर की साइड नहीं भाई, इतनी मेहनत ना करा भाई, लग जा लग जा भाई लग जा। ओके मैं ऊपर से लगाने की कोशिश करता हूँ। अरे वाह क्या लगा है, मतलब क्या ही लगा है, ऐसा लगा है कि मतलब कभी लगेगा ही नहीं। ओके यहाँ से लगाते हैं, आगे से लग जाएगा। ओहो लग गया लग गया लग गया, बहुत सही। इसके अंदर को कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देना। ओके तो एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ओके बढ़िया तरीके से, अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये अभी अच्छे से काम कर रहा है, फिशिंग रॉड का है, देख भी तो ले काम कर भी रहा है। हमारा पोपट हो गया। ओके तो मेरा पोपट हो चुका है, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मैंने कहाँ गलती कर दी, एक मिनट रुको मुझे देखने दो, कहीं तो मैंने करी है गलती, उसके बाद ये ऐसा काम कर रहा है। एक सेकंड रुको। ओके रुको 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 रुको, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही, रुको रुको। ओके तो अभी एकदम बढ़िया काम कर रहा है। अभी आप लोग देखो, ये देखो, ओहो क्या मक्खन के माफिक काम कर रहा है, बहुत सही बहुत सही। तो मुझे यहाँ पे लगानी है डर्ट। अरे यार डर्ट कहाँ रख दी मैंने, डर्ट को मैं यहाँ रख लूँ। ओके मुझे यहाँ पे लगानी है डर्ट और सारी चीज़ को मुझे करना है कवर। तो ये अभी नहीं बना है, मतलब अभी तो ये कवाड़ जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, मैंने बना क्या दिया। आखिर आप लोग सोच रहे हो ये बना क्या दिया मैंने, तो अभी रुक जाओ यार, थोड़ा सा वेट करो, बनने दो इसको बढ़िया तरीके से। इसके लिए मैं कोवर स्टोन यूज़ करने वाला हूँ, कोवर अच्छा रहा है मेरे पास, तो मुझे वो भी लेके आना पड़ता। एक मिनट रुको, यहाँ कोवर स्टोन को लगा दो कुछ इस तरीके से। मैं इसको कवर इसलिए कर रहा हूँ कि ना यहाँ पे लावा जाए ना अंदर। ओके तो अच्छे से कवर कर लो। अरे अरे अरे, और इससे क्या होगा, ये चीज़ ना पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई सीक्रेट बेस भी है। तो इसको यहाँ पे लगा दो इस तरीके से, पूरा बंद कर दो, बहुत सही। इसको हम लोग पूरा बंद करने वाले हैं। ओके ऐसे काम करेगा कि, एक मिनट रुक जाओ मैं देखता हूँ देखता हूँ, एक मिनट रुको। ओहो बहुत सही बहुत सही। तो काम क्या करना है मेरे को, यहाँ पे गड्ढा करना है, इसके नीचे भी गड्ढा करना है। ओके तो अभी अपना काम हो चुका है, एकदम परफेक्ट काम हो रहा है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। एक सेकंड रुको फिर से देखते हैं, बहुत सही एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। ओके एकदम बढ़िया से काम कर रहे हैं, और मैं अपना बेड लाना भूल गया, तो मैं काम करता हूँ फटाफट से सो जाता हूँ। ओके बेड यहीं पे है, तो एक काम करता हूँ जल्दी से सो जाता हूँ और सुबह मिलते हैं। ओके तो भाई सुबह हो चुकी है और बहुत ही मस्त वाली नींद आई, मतलब बहुत थकान हो गई थी काम वाम करके, एकदम मस्त वाली नींद ली है। तो अभी फटाफट से यहाँ पे बाकी का काम कर देते हैं, अपना बाकी का जो भी काम है। तो सबसे पहले तो ना ये वाला कोबर स्टोन हटाओ, ये कुछ ज़्यादा ही मैंने लगा दिया यहाँ पे, तो ये चीज़ तो हम लोग ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पे। तो अभी हमारा भाई आधा काम हो चुका है, मतलब 50% हमारा काम हो चुका है, एंड अभी 50% काम बाकी है। तो 50% जो काम बाकी है उसके लिए हम लोग को अंदर जाना पड़ेगा एंड टॉर्चेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो टॉर्च को मैं लेने वाला हूँ अपने लेफ्ट हैंड में। एक सेकंड रुक जाओ, अभी टॉर्च किधर गया, एक मिनट रुको। ओके लेफ्ट हैंड में मैं टॉर्च को लूँगा एंड राइट हैंड में लूँगा मैं, एक बार रुको, फिशिंग रॉड को। फिशिंग रॉड की हेल्प से हम लोग जाने वाले अंदर की साइड। एक सेकंड रुको, कहीं तो मैंने गड़बड़ कर दी। ओके यहाँ पे, ओके सॉरी सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ अंदर जाने वाले हैं, बहुत सही। ओके एंड अभी देखो, ओके तो ये कुछ इस तरीके से लॉक हो जाएगा। तो हम लोग कुछ ब्लॉक नीचे जाएंगे, बहुत ज़्यादा गड्ढा नहीं करना, कहीं ज़्यादा जाए तो दम ही घुट जाए हमारा। आराम से जाएंगे, ऐसा ना केव वेव ना निकला यार नीचे, मुझे ये डर लग रहा है अगर कोई केव हुई ना तो अपनी मौत पक्की है। आराम से करेंगे आराम से। ओके ओके तो गाइज हम लोग काफ़ी नीचे आ चुके हैं, इतना नीचे काफ़ी है। और भाई नीचे आते ही हमारी पिकैक्स ने तो भाई दम तोड़ दिया है, पिकैक्स हमारी मर चुकी है। एंड अभी मेरे को काम चलाना पड़ेगा भाई बाकी सारी चीज़ें। तो अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ, एक मिनट रुको, हाथ का यूज़ करेंगे, क्योंकि अपना हाथ नहीं भाई, हथौड़ा है अपना हथौड़ा, हाथ नहीं अपना हथौड़ा है। एक काम करते हैं यार, ऊपर ही चलते हैं भाई, ऊपर ही चलते हैं हम लोग, पहले भाई लेके आते हैं बना के। एक सेकंड रुको, ओके 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 ओके, तो हम लोग को कुछ इधर से निकलना पड़ेगा, इधर से, बहुत सही। तो हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं फटाफट से काम करता हूँ ना, पिकैक्स बना के लाता हूँ, एकदम मस्त सी फ्रेश नई नवेली पिकैक्स लाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ओके तो हम लोग भाई नई नवेली अपनी पिकैक्स लेके आ चुके हैं, अभी फटाफट से हम लोग यहाँ से चलते हैं नीचे। ओके तो यहाँ से नीचे जाने के लिए, ओके मैं काम करता हूँ ना यहीं पर बना लेते हैं। अरे नीचे चल ले भैया, नीचे चल ले, एक सेकंड रुको, नीचे जाने के लिए मेरे को फिशिंग रॉड लेनी पड़ेगी एंड एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, बहुत सही। ओके ओहो बंद हो गया बंद हो गया, एंड अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं नीचे।
ओके तो गाइज हम लोग काफी नीचे आ चुके हैं एंड पहले मैं एक ब्लॉक आगे बना रहा था एंड अभी एक ब्लॉक हम लोग पीछे बनाने लाने हैं, तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे करते हैं। थोड़ी सी माइनिंग हम लोग यहाँ पे करनी पड़ेगी। ओके बहुत अच्छी किस्मत हो तो ऐसी भाई, किस्मत हो तो ऐसी। आयरन मिल गया अपने को, आयरन मिल गया। अरे भाई जॉम्बी की आवाज़ आ रही है, जॉम्बी की आवाज़ आ रही है। आराम से करनी पड़ेगी भाई, आराम से माइनिंग करनी पड़ेगी। मुझे लगता है जॉम्बी को पता चल चुका है कि अपन लोग भाई नीचे आ रहे हैं। एक सेकंड इसको बंद करो एंड हम लोग को इसी लाइन में थोड़ी सी माइनिंग और करनी है। एक काम करता हूँ ना, यहाँ से ना मैं सीढ़िया टाइप बनाता हूँ नीचे के साइड, यहाँ से हम लोग जाते हैं नीचे को। ओके तो गाइस हमारी यहाँ पे सीढ़िया बन चुकी है सीक्रेट लावा बेस की, मैं आप लोगों को फटाफट से दिखा देता हूँ। तो पहले मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में एक केव निकली, तो मैंने अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा मोड़ दिया। पहले हम लोग इस वाले डायरेक्शन में जा रहे थे एंड इस डायरेक्शन के थोड़ा आगे जाते यहाँ पे भाई एक केव निकली, मतलब अपनी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब निकली। तो हम लोगों ने यहाँ पे बंद करके इधर माइनिंग करी एंड यहाँ पे मैंने सीढ़िया बना दी है। तो अभी तक तो यहाँ पे यार देखो कोई भी केव नहीं मिली है, पर आगे का कुछ कह नहीं सकते। तो मैं एक काम करता हूँ, इतनी सीढ़िया काफ़ी, मतलब इतने नीचे काफ़ी, क्योंकि हम लोग पहले से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं एंड अभी हम लोग 41 लेवल पे है। तो यहाँ पे हमारा सीक्रेट बेस काफी सही रहेगा। फटाफट से पहले मैं यहाँ पे माइनिंग कर लेता हूँ। मेरे को 5-5 ब्लॉक पीछे जाना, एक तोड़ दिया, 2, 3, 4 एंड 5। तो पहले हम लोग 5-5 ब्लॉक पीछे जाएंगे, टॉर्च लगा दो यहाँ पे एंड 5 ब्लॉक इधर पीछे जाएंगे। ओके ओके तो हम लोगों ने 5-5 ब्लॉक का यहाँ पे गैप कर लिया है एंड ऐसे हम लोग को अब पीछे के साइड जाना है यहाँ से 10। ओके तो यहाँ पे भी 10 हो चुका है, तो उस साइड पे मेरे को ऐसा ही करना है। तो मैं काम करता हूँ फटाफट से, यहाँ पे पहले माइनिंग कर लेता हूँ, एक स्पेस बना लेता हूँ पहले मैं जल्दी से। ओके तो गाइस मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से स्पेस बना लिया एंड अभी मैं यहाँ पे टॉर्चेस वगैरह लगा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने चारों तरफ कोवर स्टोन लगा दिया, मतलब जितना भी मेरे को माइनिंग करने में कोवर स्टोन मिला मैंने यहाँ पे अच्छे से कोवर स्टोन लगा दिया है, जिससे जितनी भी यहाँ पे भाई ग्रेवल वगैरह थी वो मैंने यहाँ पे हटा दिया है। कोवर स्टोन से क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सही भी लग रहा है और कोवर स्टोन पूरे में एक जैसा भी हो गया है। बाकी अपना स्पेस बन चुका है तो हम लोग यहाँ पे फटाफट से अपना सामान लेके आ जाते हैं एंड ऊपर के साइड सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, हम लोग को लावा वगैरह डालना है और हम लोगों ने यहाँ पे एक बेड भी डाल दिया है। तो फटाफट से ऊपर चलते हैं, हम लोग एक चेस्ट लेके आ जाते हैं, थोड़ा बहुत काम का सामान ले आते हैं एंड अभी आप लोग यहाँ पे रास्ता देखो, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे स्टेयर्स लगा देता हूँ और अभी देख लो भाई क्या ही खतरनाक वाला होगा। ये देखो हम लोग को इधर से आना है, फिर इधर मुड़ना है, फिर इधर मुड़ना है, तब जाके हम लोग ऊपर जाएंगे। तो फटाफट से हम लोग ऊपर चलते हैं और ऊपर जाने के बाद हम लोग को वहाँ पे डर्ट भी लगाना पड़ेगा और ऊपर जाने के बाद मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर और चेंज कर दिया है। तो ये देखो, तो हम लोग को बाद में ऐसे करके डर्ट यहाँ पे लगा देना है, किसी को पता नहीं चलेगा। एंड मैं एक काम करूँगा ना, यहाँ दोनों पे ना टॉर्चेस लगा दूंगा, इससे मेरे को पता रहेगा ऐसे करके, इससे मेरे को पता रहेगा कि यहाँ से हमारी एंट्रेंस है। एंड ये देखो यहाँ पे मैंने चारों तरफ अच्छे से यहाँ पे डर्ट लगा दिया, जिससे किसी को पता ना लगे। तो पहले हमारी जो एंट्रेंस थी वो इस साइड से थी, मतलब आगे से थी, पर अभी मैंने पीछे के साइड कर दिया क्योंकि आगे से तो एक बार में किसी को पता भी लगेगी एंड पीछे के साइड तो एकदम सीक्रेट है, मतलब टॉप सीक्रेट टाइप का ये हो गया है। बाकी फटाफट से मैं यहाँ पे लावा रखने के लिए जगह बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ फटाफट से, मिनट रुको, सवल में लेता हूँ एंड सवल से पहले मैं गड्ढा कर देता हूँ। हम लोग एकदम नेचुरल लग रहे हैं, जैसे कि नेचुरल होता है, तो वैसे ही मैं कोवर स्टोन को इधर उधर करके लगा दूंगा अच्छे तरीके से एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लावा लेके आऊँगा। तो लावा मैं लेके आऊँगा 5-6 बकेट लेके आऊँगा और चारों तरफ लावा ही लावा डाल दूंगा। तो एक सेकेंड रुको, हम लोग यहाँ से पहले कवर कर लेते हैं जिससे लावा नीचे ना गिरे। ओके नीचे तो मुझे लगता नहीं गिरेगा, तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कोवर स्टोन को। तो मैंने यहाँ पे कोवर स्टोन को अच्छे से लगा दिया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं पे गैप तो नहीं रह गया, अगर कहीं पे गैप रह गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। एक काम करते हैं, इसको फिल कर देता हूँ, बहुत सही, यहाँ पे भी इसको फिल कर देता हूँ एंड अभी लावा लाके मैं यहाँ पे डालता हूँ। मेरे को लेडर लेके आना पड़ेगा जिससे मैं सीढ़िया बना पाऊंगा। तो फटाफट से चलते हैं, जो बाकी का सामान है वो लेके आते हैं। एंड ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सेकंड रुको, इसको मैं मजा चखाता हूँ, एक मिनट रुको, तलवार से चखाता हूँ ना, मज़ा आ जाएगा फिर तो, तगड़ा वाला मजा चखा जाएगा। ओ भाई देख रहे हो, तंदूरी स्पाइडर बना दी, तंदूरी स्पाइडर, अबे 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 भगो भगो भगो, अरे मेरे पास मत, मेरे पास, ओके मर गई मर गई मर गई। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग यहाँ से। तो लावा तो मेरे को पता है कि कहाँ से लेके आना पड़े यार, लावा को लाना भी बहुत ज़्यादा रिस्क का काम होता है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, लावा को ले आता हूँ और वो देखो आयरन गोलम की तो पार्टी चल रही है, रात भर पार्टी चलती है। एक मिनट रुको, मेरे पास आयरन है ना, तो बेचारे को मैं रिपेयर कर देता हूँ, मतलब मेरे लिए यार इतनी नौकरी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो मेरा भी यार कुछ फ़र्ज बनता है कि मैं इन लोग को रिपेयर करूँ। और इधर देखो अपने फार्मर वगैरह लगे पड़े हैं, तो मैं इसको रिपेयर कर देता हूँ, इसकी तो अंजर पंजर पूरे ढील हो गए। ओके इसको रिपेयर कर दिया, 2 आयरन में इसका काम हो गया। तो फटाफट से मैं यहाँ से ले लेता हूँ पहले बकेट, बकेट से चलता हूँ भाई लावा लेने। वैसे मेरे पास 1-2 बकेट लावा तो होना चाहिए, मैं पहले भी लेके आया था, एक मिनट रुको, इसमें नहीं है। ओके इसके अंदर 1 बकेट है, ओके 2 बकेट तो यहीं पे मेरे को मिल गया। एक सेकंड रुको, एक काम कर दो ना, एक मिनट रुको, रेड स्टोन टॉर्च में इसमें उठा के रखता हूँ, आयरन यहाँ हटा देता हूँ,
कोल वगैरह भी हटा देता हूँ, कोल की वैसे मेरे को ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास टॉर्चेस है, तो बाकी सामान यहाँ से हटा देता हूँ। एक मिनट रुको, मैं बेड एक एक्स्ट्रा ले गया था, दो मैं बेड ले गया था, बेड हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। एंड मेरे को वाटर बकेट चाहिए, तीन वाटर बकेट मेरे पास पहले से है, तो मुझे लगता है इतने से मेरा काम चल जाएगा। इसको हटा दो यार, यहीं लावा ना गिरा दूँ मैं, तो जल्दी जल्दी से चलो। सबसे पहले मेरे पास दो बकेट लावा है, उसको पहले मैं उसमें डाल देता हूँ, और कहीं ऐसा ना हो मेरे सीक्रेट बेस के अंदर ना चला जाए, मेरे को थोड़ा आराम से डालना पड़ेगा। एक सेकंड को ये उठा लो यार, स्पाइडर आई आएगा काम क्या होता है, ड्राइवर कह रहा हूँ, स्पाइडर आई का काम क्या होता है मुझे अभी तक नहीं पता चला। एक सेकंड, ऊपर से गिराते हैं, अबे फैल जा, ओके फैल रहा है, फैल रहा है, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, ओके 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 ओके, इधर डाल दो, ओके। तो कुछ इस तरीके से पूरे में अच्छे तरीके से फैल जाएगा। ओ भाई एंडरमैन, एंडरमैन की तरफ नहीं देखना है, एंडरमैन की आंखों में नहीं देखना है। ओके मैं ऊपर से जाता हूँ, इतना डरने की जरूरत नहीं है। ओके तो लावा को मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया, और मेरे को याद रखना है कि जो भाई प्रेशर प्लेट है वो किस साइड में है, बीचे साइड में मुझे याद रखना है, अगर प्रेशर प्लेट का भूल गया ना तो वो गेट कभी खुलेगा ही नहीं। अभी हम लोग फटाफट से अंदर की साइड चलते, ओरे ओरे ओरे, अभी किधर देख रहा है, किधर देखा, मुझे मारने तो नहीं आ रहा, ये मुझे मारने नहीं जा रहा, ये जा रहा है आयरन गोलम को मारने। अभी मेरे से दूर हट, मेरे से दूर हट, मेरे को पास मत आना। एक सेकंड रुको, मैं तो जा रहा हूँ आयरन गोलम के पास। ओहो ओहो, अपने आयरन गोलम यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक सेकंड, आजा बेटा आजा 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 आजा, यहाँ से। ओ तेरी, तुम्हारे भाई का शॉट देख रहे हो, तुम्हारे भाई के पास बाहुबली की तलवार है। ओके मेरे पास ग्रीन ग्रास मिल गई, इसको बाद में कलेक्ट करूंगा। एंडरपल नहीं थी इसने, तुम्हारे भाई के पास बाहुबली की तलवार है, एक ही शॉट में गया, एक ही शॉट में। तो फटाफट अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मेरे को इधर जाना पड़ेगा लावा लेने, जहाँ पे मैंने माइनिंग करी थी यहाँ पे काफ़ी सारा लावा है, तो मेरे को यहाँ से लावा लेना पड़ेगा। जल्दी जल्दी से नीचे चलते हैं, और ये मैंने ना पेड़ लगाए थे कितने सारे बड़े हुए, और छोटा सा चिकन घूम रहा है, प्यारा सा चिकन, इसका तंदूरी तो कभी और बनेगा। ओके किधर गए, किधर गए, केव, ओके ये रही वो केव, तो मैं नीचे कैसे जाऊँगा, नीचे कैसे जाऊँगा मैं। ओके पानी है वहाँ पे, पानी में जम कर दूँगा मैं, हड्डी पसली ना टूट जाए मेरी। यार मैं जम तो कर सकता हूँ पर बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क। मैं काम करता हूँ ना, माइनिंग करते हुए नीचे जाता हूँ, एक सेकंड रुको। अरे अरे अरे, अभी मैं जाता हूँ, अभी मैं जाता हूँ, एक सेकंड रुको, मेरी पिकैक्स कहाँ है, ये रही पिकैक्स। ये देख रहे हो, आइडिया देख रहे हो अपना क्या खतरनाक वाला है। ओके नीचे आ गए हम लोग फटाफट से। ओके लावा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, आजा भाई लावा आजा। ओके एक बकेट, दो बकेट, तीन बकेट, चार बकेट, पाँच बकेट, छः बकेट। अबे बार बार फेंक दे रहा हूँ मैं एक ही बकेट, अबे यार। ओके यहाँ से कलेक्ट, एक आ गया, दो तीन चार, सारी विकेट हो गया क्या। ओके मेरे पास पांच विकेट लावा हो चुका है, अभी फटाफट से हम लोग यहाँ से फरार हो जाते हैं ऊपर की साइड। एक मिनट रुको, मुझे लगा क्रीपर है यार यहाँ पे, मुझे दोबारा आना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एक और चक्कर लगाना पड़ेगा, पाँच विकेट और लेके जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके हम लोग ऊपर आ चुके हैं, जल्दी जल्दी इसे चलते हैं हम लोग, फटाफट से चलते हैं अपने बेस पे, और जल्दी इसे डालते हैं भाई ये सारा लावा। होगी तो गाइस पहुंच चुके अपने लावा हाउस पे, गेट को करो बंद क्योंकि इधर बहुत ही ज़्यादा खतरों वाला काम हो रहा है यार। मेरे को ना याद नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, मेरे को ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने कहाँ पे रखा। अरे अरे आराम से आराम से आराम से, ओके बीचों बीच मैंने रखा, मुझे ध्यान। अरे भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी मैं मरता, अभी मैं मरता। इस वाले से भी डालता हूँ, चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। ओके फैल जा फैल जा फैल जा यार, मुझे और लेके आना पड़ेगा, मुझे लग रहा है इतने से मेरा काम नहीं चलेगा। ओके बहुत सही, एंड अभी तो मेरे को और भी बहुत सारा लेके आना पड़ेगा। एक मिनट रुको यार मैं भूल ना जाऊँ, एक सेकंड रुको, कहाँ पे है मेरे को एक बार देखने दो। ओके किधर गया, किधर गया, ओके इधर है, इधर है, इधर है। ओहो यहाँ गलती से लगा दिया था यार, ओ अभी मेरे लगता, अभी मेरे लगता, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, सही एकदम सही जगह, एकदम काम कर रहा, बढ़िया से काम कर। अरे मैं लावा में गिरता, अभी लावा में गिरता, तो मैं काम करता हूँ फटाफट से, और भी पांच बकेट लावा लेके आता हूँ या करता हूँ फटाफट से। पहले मैं इसको पूरा फुल कर देता हूँ क्योंकि पूरा फुल करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं काम करता हूँ जल्दी जल्दी से, पहले मैं पूरा लावा से मतलब पूरा फुल कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ओके तो गाइस मैंने यहाँ पे लावा को अच्छी तरीके से डाल दिया है, सबसे पहले मैं यहाँ पे खाना खा लेता हूँ, एंड बाकी जितना भी यूज़ का सामान है वो भी मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, मतलब क्राफ्टिंग टेबल ले लिया है, चेस्ट मैंने ले लिया है, लेटर ले लिया है, जो भी चीज़ें हैं काम की, फर्नेस वगैरह मैं सारी चीज़ें लेके आ चुका हूँ। अभी फटाफट से हम लोग नीचे चलते हैं। ओके
ओके तो मुझे लगता है सीक्रेट डोर अपना यहाँ पे खुल चुका होगा। ओके तो यहाँ पे हो चुका है ओपन एंड अपने को जाना है यहाँ से नीचे। एक मिनट मैं इसको पहले तोड़ देता हूँ एंड मुझे यहाँ से भी इसको तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग को नीचे की साइड ऐसे जाना पड़ेगा। हम लोग पहले यहाँ पे लेडर लगा लेते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, मतलब आराम से हम लोग यहाँ पे आ जा सकते हैं एंड किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो हम लोग को जल्दी जल्दी से नीचे जाना है। ओके हम लोग नीचे आ चुके हैं, मेरे को इसको भी तोड़ना पड़ेगा। ओके तो अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं एंड मेरे को काम करना है, पहले खाना वाना मैंने खा लिया है, बकेट वगैरह मैं काफ़ी सारी लेके आ चुका हूँ। तो मैं काम करता हूँ, पहले अपना बेड वेड अच्छे से सेट कर देता हूँ यहाँ पे और टॉर्चेस वगैरह कुछ ज़्यादा ही मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो यार मेरे पास ना बिल्कुल भी जगह नहीं है। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे साइड में रखता हूँ, फर्नेस को इसके बगल में रख देता हूँ यहाँ पे एंड चेस्ट में जो दो लेके लगाया हूँ ना बना के, दोनों चेस्ट को यहाँ पे रख देता हूँ। एंड अभी हम लोग बेड को कलेक्ट करते हैं, तो बेड को हम लोग रखेंगे यहाँ पे एंड इसके बगल में स्लैब रख देता हूँ। मैं स्लैब भी बना के लेके आया हूँ, तो स्लैब को हम लोग कुछ इस तरीके से रख देंगे। ओके बहुत सही, काफ़ी अच्छा लग रहा है बेड यहाँ पे रखा, और डिज़ाइन से रखा होने चीज़ बहुत ज़्यादा सही लगता है। एंड टॉर्च इसको ना यहाँ नीचे रख लो अच्छे से, क्योंकि टॉर्च है तो मैं बहुत ज़्यादा लगाने वाला हूँ। ओके बहुत सही, रोशनी होगी ना उतना ज़्यादा सही रहेगा। धीरे धीरे मैं इसमें कारपेट लगाऊंगा, धीरे धीरे इसको अपग्रेड करूंगा तो और ज़्यादा सही लगेगा, मतलब और ज़्यादा मज़ा आएगा इसको देखने में। तो यहाँ पे कुछ अच्छे से लगा देता हूँ। ओ भाई बेड देख रहे हो कितना ज़्यादा सही लग रहा है बेड, बेड में हम लोग टॉर्चेस लगा सकते हैं। ओ भाई लगा सकते हैं बहुत सही। एंड अभी बेड काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है डबल बेड हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है। तो टॉर्चेस हम लोग यहाँ पे रख देते हैं एंड इसके ऊपर हम लोग टॉर्च रख नहीं सकते, नहीं तो मैं यहाँ पे भी रख देता एंड दो दो टॉर्चेस हम लोग यहाँ लगा देते हैं। ओके टॉर्च बची गया, अगर बचेंगी तो मैं एक एक कोने में और लगा दूंगा। बिल्कुल तगड़ा वाला सीक्रेट बेस हो चुका है, हम लोग सारी अपनी सीक्रेट चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं, जितनी भी सीक्रेट चीज़ें हैं। तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा कोबलस्टोन वगैरह यहाँ पे रख देता हूँ, ये भी यहाँ रख देता हूँ, गन पाउडर यहाँ रख देता हूँ एंड अभी हम लोग लेडर भी यहाँ पे लगा देते हैं। बाकी चीज़ तो देखो मेरे काम की तो मैं यहाँ पे रख नहीं सकता हूँ, जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं यहाँ के बाकी सारी चीज़ें खाने पीने के यहाँ पे रख दूंगा। तो काम करते हैं फटाफट से, मैं ऊपर की साइड पहले लेडर लगा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितने बढ़िया तरीके से ये काम कर रहा है। ओके तो मेरे को जाना है कुछ यहाँ से, ओके तो अभी हम लोग ऊपर के साइड अच्छे से आ चुके हैं एंड अभी हम लोग को काम क्या करना है, इसमें से फिशिंग रॉड हम लोग को निकालनी है। एक मिनट को, फिशिंग रॉड कहाँ गई, बहुत सही। तो हम लोग को पहले एक काम करना है, हम लोग को हर बार ना यहाँ पे एक डर्ट लगा के जाना पड़ेगा, तो डर्ट अच्छे से लगानी पड़ेगी। डर्ट कुछ इसी के से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एक मिनट इसको क्राउच करके। ओके मैंने यहाँ गलत लगा दिया, बहुत सही। तो डर्ट हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया है, तो फिशिंग रॉड हम लोग यहाँ पे डालते हैं अभी अपनी। तो मुझे लगता है गेट शायद खुल गया होगा अगर अच्छे से लगा होगा तो। ओके तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गेट पूरा खुल गया है अगर हम लोग फिशिंग रॉड डालते हैं। तो जैसे हम लोग फिशिंग रॉड निकालेंगे यहाँ पे, ये देखो ये ऑटोमेटिक बंद हो चुका है, चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है, तो किसी को भी पता नहीं लगेगा। तो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। ओके तो मैंने लावा के अंदर डाल दिया फिशिंग रॉड एंड अभी नीचे की साइड चलते हैं। तो हम लोग को यहाँ से नॉर्मली नीचे जाना है ऐसे करके लेडर से, और ये देखो पूरा बंद हो चुका है एंड अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं एकदम नीचे जाके। मेरा रुको टॉर्चेस का है, टॉर्चेस मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ एंड टॉर्चेस को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखो तो मुझे अच्छे से यहाँ पे टॉर्चेस वगैरह लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लेडर लगाने के बाद टॉर्चेस लगाई नहीं है, साइड साइड में टॉर्चेस लग नहीं रही हैं, तो इसी से बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड रुको, मुझे पिकैक्स लेनी पड़ेगी। ओह मैं गिरना चाहूँ नीचे, नहीं गिरना चाहूँ, तो मेरे को ना बीच बीच में ना तोड़ना पड़ेगा जहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। एक सेकेंड रुको, बहुत सही। एंड अभी मुझे टॉर्चेस लेनी, एक मिनट ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, बहुत सही। एंड अभी आप लोग देख सकते हो ऊपर के साइड टॉर्च लग चुकी है, नीचे के साइड टॉर्च लग चुकी है, तो हमारा सीक्रेट लावा बेस एकदम तैयार हो चुका है। धीरे धीरे मैं इसको अपग्रेड करूंगा तो बहुत ही ज़्यादा मस्त लगेगा एंड लावा बेस यार दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लग रहा है एंड किसी को पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई गेट हो सकता है, हम लोग यहाँ से अंदर जा सकते हैं। मैं यहाँ पे बाद में स्टेयर्स भी लगा दूंगा, तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके यार ज़रूर बताना कि मुझे इसे अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी अगर हम लोग को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा तो हम लोग को पहले तो यार यहाँ से देखो डर्ट को तोड़ना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर हटा भी सकते हैं डर्ट को, एक मिनट रुको। तो हम लोग यहाँ से बाहर आ चुके हैं एंड बाद में हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से डर्ट लगा देंगे और ये अपने आप बाकी अपना काम यहाँ पे कर देगा। तो हम लोग इसको अगर खोलना होगा तो हम लोग खोलेंगे कैसे, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। फिर से हम लोग यहाँ पे फिशिंग रॉड डालेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक गेट यहाँ पे खुल जाएगा। तो ये देखो, ये देख रहे हो एंड ये देखो कमाल, तो काफ़ी ज़्यादा सही है यार अपना सीक्रेट लावा बेस। बाकी मैंने सोच रहा हूँ यहाँ पे ना फेंस लगा दूंगा थोड़ी बहुत, जिससे मैं अंदर ना गिर जाऊँ, कहीं मैं ही लावा के अंदर गिर जाऊँ तो मेरी यहाँ पे तंदूरी ना बन जाओ। अभी इसको कलेक्ट कर लो, कलेक्ट कर लो। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे भी ना थोड़ा बहुत कोबलस्टोन ऐसे लगा देता हूँ, जिससे थोड़ा नेचुरल लगेगा। वो भी यार ज़्यादा ही लगा दिया कुछ, एक एक यहाँ पे भी लगा देते हैं, थोड़ा बढ़िया लगेगा दिखने में। ओके बहुत सही,
तो गाइस हमारा लावा सीक्रेट बेस पूरा तैयार हो गया, एकदम काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके यार शुरू बताना कि आप लोग को मेरा लावा सीक्रेट बेस कैसा लगा। मेरे को तो यार बहुत ज्यादा सही लगा, काफी ज्यादा सीक्रेट है, मतलब किसी को पता ही नहीं लगेगा। और आप लोग भी इसे आराम से अपने माइनक्राफ्ट सर्वाइवर बेस में बना सकते हो, सीक्रेट चेस्ट वगैरह रखने के लिए या फिर अपना इंपॉर्टेंट सामान रखने के लिए। बाकी भाई आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज यार लाइक जरूर करना, कॉमेंट करके यार जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। एंड आज वाले वीडियो को बनाने में भी यार काफी ज्यादा मेहनत हो गई, मतलब पहले मैंने काफी बार ट्राई करा, काफी बार मैं मर भी गया क्योंकि लावा में देखो हम लोग मजाक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली मैंने भाई एक सीक्रेट बेस बना ही लिया, सीक्रेट हाउस बना ही लिया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके शुरू बताना कि आप लोग को कैसा लगा। बाकी अगर आप लोग को लावा भी पसंद आया तो प्लीज यार लाइक शुरू कर देना। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।